दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अभी हम चलते हैं लाल बाबू सर के पास। अभी अंशु कुमारी जो वैशाली जिला के सेकंड टॉपर रही है, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि लाल बाबू सर हमको काफ़ी प्रेरित करते रहे हैं अच्छे मार्क्स के लिए। और मैंने यूट्यूब पर उनका स्कूल के साथ वीडियो देखा जिसमें काफ़ी अच्छे स्पीच है अंशु कुमारी का। On 26 January, India was celebrated Purana Sar House. School, college and government buildings are beautifully decorated. और उस स्पीच को देखने के बाद में लगा कि लाल बाबू सर से एक बार मिलकर बात करना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से वह तैयारी कराते थे जो इतना अच्छे नंबर लाए। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं उनके स्कूल पर। उनका स्कूल का नाम है भाभा बाल विद्या मंदिर फ्रीडम साइंस कोचिंग क्लासेस, ये उनका स्कूल है। चलिए उनसे अभी बात करते हैं। ये कैंपस है स्कूल का और बच्चे लोग अभी है 10 बजे से स्कूल चल रही है इसमें, और सुबह शाम जो है कोचिंग पढ़ाते हैं। तो चलिए लाल बाबू सर से अभी मिलते हैं और बात करते हैं कि अंशु कुमारी को कितने अच्छे से इन्होंने गाइड किए कि वह वैशाली में सेकेंड टॉपर रही है। तो चलिए अभी हम लाल बाबू सर के पास आ गए हैं, और अभी ये लाल बाबू सर है। कंग्रेचुलेशन सर। हमारे बाइट जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि लाल बाबू सर अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। बात करते हैं लाल बाबू सर से टॉपर अंशु कुमारी के बारे में। तो सर बताइए, अंशु कुमारी को आप इतने अच्छे से गाइड किए कि वह सेकेंड वैशाली में सेकेंड स्थान लाई है, तो बताइए ऐसे किस टाइप से पढ़ाते हैं बच्चों को, कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं? फ्रीडम साइंस कोचिंग क्लासेस में भाभा बाल विद्या मंदिर में आपको स्वागत है। रही अंशु के विषय में, आपने चर्चा किया और मार्क्स लाने के लिए, तो यह 2012 से शुरुआती दौर से ही उसमें यह प्रेरणा थी कि किसी भी सब्जेक्ट में जो भी उसको, जो भी हमारे सहयोगी टीचर पढ़ाते थे, उसमें एटीट्यूड इतना थी कि अगर इसको बोल दीजिए कि इसको कल याद करके लाना है, वहाँ पर मैंने तुरंत आधा घंटा 10 मिनट में वो कंप्लीट करके दिखा दी थी। इस तरह से इसको देखते हुए यहाँ तक मैंने उसके गार्जियन को भी प्रेरित किया कि आप अगर इसको आगे पढ़ाना चाहते हैं अच्छे से, तो कोशिश कीजिए कि कहीं हमसे भी बड़े या स्कूल में डालने का कोशिश कीजिए जो बेटर करे। लेकिन इसी पीरियड में अभी 21-22 को जो सेशन था इसका मैट्रिक का, इसमें मैंने सितंबर तक पढ़ाया, और बाढ़ आने को जैसे मैंने हमारे स्कूल में पानी इतना आ गया जिसमें तितर बितर हो गया, मैंने प्रेरित किया कि अंशु तुम हम पर भी डिपेंड नहीं रहो, अगर तुमको बेटर लगे और इधर गिद्ध में बहुत से टीचर हैं तुम्हारे घर के आसपास में, वहाँ तुम एडजस्ट होकर तैयारी कर सकती है। चलिए थैंक यू सर कि आपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए कि आप कहीं भी पढ़ लीजिए। सर एक चीज़ हम एक यूट्यूब पर आपके स्कूल के बारे में देखें कि भाभा बाल विद्या मंदिर फ्रीडम साइंस कोचिंग क्लासेस का एक यूट्यूब पर हम देखें वीडियो जिसमें अंशु कुमारी बहुत अच्छे से अंग्रेजी में स्पीच दे रही है, तो आप उसको इस तरह से तैयारी कराए, कितने दिन लगे थे तैयारी कराने में? उसको तैयारी कराने में हमको ज़्यादा दिन नहीं लगा, क्योंकि इसको बचपन से ही इस तरह से उसमें टैलेंट था कि जो भी टॉपिक हम उसको देते थे है ना, एकदम कम समय में वह करके दिखाती थी, और हमको लगा कि भविष्य में यह जिस क्षेत्र में जाएगी अच्छा करेगी। और हमारे एक सहयोगी टीचर भी हैं अभी प्रेजेंट में एलेन हाई स्कूल में है संतोष सर जी, अंशु को मैंने वैशाली ले गया घुमाने के लिए, जब वहाँ से आई तो एक टॉपिक लिखकर हमको वैशाली के विषय में बताया, इसका राइटिंग प्लस उसका टॉपिक देखकर खुद हम ही विचलित हो गए कि इस तरह से इसको हम भी नहीं कर पाते थे जो लिखकर दिखाई है। तो मैंने सर को बोले तो सर ने उस चीज़ को देखे क्योंकि हाई स्कूल के टीचर हैं, और तो कहें कि जय सर ये तो टॉप 10 में जाने वाले विद्यार्थी है जिस समय वह 8वीं पढ़ रही थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर पढ़ाते हुए अपने बच्चे को काफी पहले यह जज कर चुके थे कि अंशु कुमारी टॉप 10 में जाएगी, लेकिन किसी कारण बस थोड़ा कम मार्क्स आया जिसके वजह से जिला में वह टॉप लेवल पर रह गई। तो चलिए सर अभी जो नए बच्चे हैं, नए गार्जियंस हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अंशु की तरह और भी बच्चे आपके स्कूल से रिजल्ट ला सके? एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया था, अंशु के साथ है जो भी विद्यार्थी हमारे कोचिंग में थे जो डल माइंड के भी थे, वो 100% सभी बच्चे को रिजल्ट लेके गया, जो हर साल कोई ना कोई बच्चा हमारा
अपने फेल कर जाता था, लेकिन इस बार जो है सब 100% पास भी कर गया। और अंशु के रिजल्ट को देखकर हमारे इर्द गिर्द के जितने भी बच्चे हैं, चाहे हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, वो भी कहते हैं जब अंशु इस तरह से नंबर ला सकती है तो मैं भी ला सकता हूँ। इस वर्ष यानी कि 22 में, 2022 के मैट्रिक रिजल्ट में लाल बाबू सर जितने बच्चे को पढ़ाए सब लोगों ने पास किया, एक भी बच्चा फेल नहीं किया। ये तो वाकई बहुत ही सराहनीय है। जितना भी प्रशंसा करे लाल बाबू सर का उतना कम है, क्योंकि 100% रिजल्ट देना किसी टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब जो बच्चे आ रहे हैं सर, उसके लिए कुछ नए मैसेज देंगे? अब प्रेजेंट में जो भी बच्चे भी आ रहे हैं उनके लिए मैं नए मैसेज ये देना चाहूंगा कि लगन से मेहनत करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि किताबी कीड़ा बनेगा तभी कुछ कर पाएगा। और इर्द गिर्द में जब ग्रामीण क्षेत्र में का बच्चा इस तरह से टॉप कर सकता है तो तुम लोग भी टॉप कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा इस क्षेत्र में, मैं 22 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 22 साल के बीच में कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें मेरा बच्चा अच्छा नहीं किया है। हो सकता है इसी पीरियड में किसी कारण बस बच्चा मेरा इस मेरे कोचिंग से दूसरे कोचिंग में भी गया है तो वहाँ भी बेटर किया है। इस चीज को अंशु भी जानती है और कहती है कि सर आप जो कहते हैं वही होता है, और एग्जाम से पहले मैंने उसको रिजल्ट बता देता हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।